जय हिंद दोस्तों। आज मैं मार्केट में बिहार SSC एग्जाम का पेपर आउट हो चुका है, ठीक है ना। 8 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर आउट हो गया था, ठीक है। व्हाट्सएप के ऊपर पूरा पेपर लीक हो गया था और मधुबनी में मोबाइल से सॉल्व किया जाता है। पूरी जानकारी मैं बताऊंगा, उससे पहले आप लोग एक वीडियो देख लें, ठीक है। चलिए तो आप लोग देख लिया जी हो बिहार का, ठीक है। तो ये आपका है बिहार SSC का, जो कि 8 तारीख को पेपर व्हाट्सएप फिर से लीक कर दिया, जो कि 4 सालों बाद एग्जाम लिया गया, तो फिर भी एग्जाम पेपर को आउट कर दिया गया। तो देख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ मधुबनी में कुछ इस तरह से आपका पेपर आउट हुआ है, और बहुत सारे चैनल पर देख सकते हैं, ये सब चैनल पर आपका वीडियो डाला हुआ है। और मैं आपको कटअप जो जाने वाला उसका भी डाल रखेंगे। एग्जाम तो कैंसिल होने वाला है, ये आप लोग को पता होगा चाहे नहीं पता होगा, लेकिन मैं दिखाता हूँ आपको, सिर्फ प्रूफ दिखा रहा हूँ आपको। मैं कुछ प्रूफ दिखाने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखें, और उसके बाद किन्हीं को कोई भी सवाल सवाल करें, कमेंट्स करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं दिखाता हूँ कैसे मधुबनी में कमेंट्स आ रहे हैं, किन्हीं चैनल पर कमेंट्स किया गया। ये देखिए यहाँ पर लिखा है सुभद्र कुमार ठाकुर जी का, कैसा बोला मधुबनी में तो कमाल हो गया सर, सब अपने मोबाइल से सर्च करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पर देख सकते हैं। और व्हाट्सएप पर जो क्लिक हुआ है वो तो आप लोग के पास वीडियो पहुँच ही गया होगा, व्हाट्सएप पर जो फोटो सबके पास गया है वो तो सभी के पास है। कल 8 बजे ही, 8 दिसंबर को 8 बजे ही सबके पास चला गया था, मेरे पास भी आया था, तो मैं दिखाना नहीं चाहूँगा उसको बार बार। ये देख सकते हैं यहाँ पर चैनल पर भी किसी का, बहुत सारे चैनल पर वीडियो को देख सकते हैं, ये सब वीडियो पर भी दिया हुआ है, और यहाँ पर कमेंट्स आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन तो मैं खुद एग्जाम दिया है, ठीक है, तो इसका मतलब समझ ही गया होंगे। तो बहुत ही बड़ा फेरा लगा है फिर से एक बार 4 साल बाद। ये कमेंट्स आप देख सकते हैं बहुत सारे का, तो बहुत बड़ा फेरा लगा है सभी लोगों को, मैं बता रहा हूँ। BRSSC का क्वेश्चन आउट हो चुका है यहाँ पर, ठीक है ना, और एग्जाम भी कैंसिल होने वाला बहुत जल्दी। और जो 8 तारीख का जो आपका जो क्वेश्चन जो आया है, मैं उसका भी आपको डाल देता हूँ वीडियो, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग ये देख लें, और यही मैंने सोचा था छोटा सा अपडेट दे देता हूँ, जो कि एग्जाम कैसे बहुत जगह सॉल्व किया जा रहा था। ब्लूटूथ से जो डिवाइस धराए हैं मंडू महाराज, जो कि SSP आपका अभी पटना गए, उन्होंने धरा था पहले ही, एक दिन पहले 7 तारीख को ही उन्होंने पकड़ा था। तो ये देख सकते हैं आप, एग्ज़ाम रद्द रद्द किया जाएगा, अभी रद्द का सूचना कुछ नहीं आया, लेकिन रद्द कर दिया जाएगा ऐसा आने में लग रहा है, ठीक है। तो देख लीजिए आपने कैसे कमेंट किया था एक लड़के ने, कि मोबाइल वहाँ से मोबाइल से सॉल्व किया जा रहा है, मोबाइल से खुद ही सॉल्व किया जा रहा है। नवादा में भी मैंने देखा कि वहाँ भी कुछ कुछ गड़बड़ चल रहा था, व्हाट्सएप पे ही 8 बजे आ गया था। पटना में भी मैंने देखा दोस्तों से, तो 8 बजे ही सभी के व्हाट्सएप पे आ गया था क्वेश्चन। तो सभी क्वेश्चन नहीं आया था, मतलब आया था तब पर भी 4-5 पेज आया था क्वेश्चन सभी के पास, और सेम टू सेम वही क्वेश्चन था, मैंने देखा था। और ये जो कोई यूट्यूब पर पहले से ही डाल दिए हैं बहुत सारे लोगों ने, तो मैंने सोचा वीडियो मैं नहीं डालता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग यही देख लें, और ज़्यादा कुछ मैं इसमें दिखाना नहीं चाहूँगा। और जो आपका एडिट होता है मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, जो भी क्वेश्चन आने वाला है उसका नेक्स्ट वीडियो। तो वीडियो का ऐसा लगा आप लोग कमेंट्स कर जरूर बताएं, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।